हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ। बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड। पुलिस की कॉम्बिंग गश्त में बरामद कछुओं का छिंदवाड़ा में हुआ परीक्षण। वास्तु की दृष्टि से शुभ होने के चलते होती है कछुओं की स्मगलिंग। यातायात पुलिस की निगाह से नहीं बच पाए कलेक्ट्रेट के अधिकारी कर्मचारी, हेलमेट ना लगाने पर चालानी कार्यवाही। माचागोरा डैम से बनेगी नहर तो ही देंगे वोट। चारगांव के किसानों ने किया विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान, कहां पानी को तरस गए। और शहर में भव्य शिव महापुराण कथा की तैयारी जोरों पर। राष्ट्रीय हिंदू सेना ने घर घर जाकर आमंत्रण की मुहिम चलाई। 17 दिसंबर से आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल। तो अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा पुलिस की कॉम्बिंग गश्त के दौरान शिवपुरी थाना के छिंदा में तस्करों से बरामद भारतीय नस्ल के विलुप्त प्रजाति के 3 कछुओं को छिंदवाड़ा लाकर वन्य प्राणी विशेषज्ञ डॉक्टर अंकित मेश्राम से परीक्षण कराया गया है। वन्य प्राणी विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अंकित मेश्राम ने बताया कि तीनों कछुआ भारतीय नस्ल के है। तीनों कछुए ब्लू प्रजाति के है जो बिल्कुल स्वस्थ है। बरामद कछुए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की श्रेणी 1 के तहत आते हैं। इसी श्रेणी में बाघ भी आते हैं। दरअसल कॉम्बिंग गश्त के दौरान रावणवाड़ा थाने के अंतर्गत छिंदा में बस स्टैंड के पास से 2 लोगों से 3 कछुए बरामद किए गए थे। पकड़े गए आरोपियों ने बताया था कि वास्तुशास्त्र में इन कछुओं को शुभ मानते हैं, जिसके चलते लोग अच्छी कीमत में इन्हें खरीदते हैं। अच्छा, ये भारतीय नस्ल के 3 कछुए हैं जो छिंदवाड़ा जिले में रावणवाड़ा पुलिस द्वारा कार्रवाई करने के दौरान पकड़े गए थे। इन तीनों का आज स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। तीनों स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। तीनों का हमने बॉडी वेट और इनका मेजरमेंट लिया हुआ है। उसके बाद इन कछुओं को जनरली जो है ये इंडियन फ्लैप सेल टर्टर बोलते हैं। इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो लिस्मेसिस पंक्टाटा है। और जनरली ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 के एनिमल है। इनकी किसी भी तरीके से इलीगल मार्केटिंग या तस्करी करना गैर कानूनी अपराध है। इनका लोग ये अंधविश्वास है, लोगों में ये गलत धारणा है कि इनके यूज से धनवर्षा होती है या सेक्स डिजायर को पूरा करने के लिए इनसे जो मेडिसिन बनती है उसका उपयोग उसके लिए किया जाता है, या और भी बहुत सारी इनके मीट का यूज कंज्यूम करने के लिए लोग इनको मारते हैं। जनरली इकोसिस्टम में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो मेरी आम लोगों से अपील है कि ऐसे वन्य प्राणियों को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाए, और नुकसान पहुंचाने में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार प्रदेश में 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इसका पालन ना करने वालों पर अब यातायात पुलिस सख्त हो गई है। यातायात पुलिस ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट एवं तहसील के गेट के सामने आने जाने वाले अधिकारी कर्मचारियों द्वारा यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर चालानी कार्यवाही की। इस दौरान DSP सुदेश सिंह, TISS उदय एवं अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित थे। आपको हेलमेट भी आई है। पालन तो करना होगा।
तुम्हारी दाढ़ी तो फोटो भी लिया था। गांव में मृत्यु के आंकड़ों को देखते हुए कि लगभग 50% से अधिक मृत्यु दोपहिया वाहन चालकों की होती है जो बिना हेलमेट वियर किए और सड़क पर वाहन चलाते हैं। इसी को देखते हुए माननीय न्यायालय के निर्देश पर और जन सुरक्षा को देखते हुए सभी जगह सभी लोगों के लिए जो दोपहिया वाहन चलाते हैं हेलमेट अनिवार्य किया गया है। इसी अभियान के तहत जिला छिंदवाड़ा में सभी शासकीय कर्मचारियों को माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हेलमेट पहनने के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिसके पालन में आज भी जिला कलेक्ट्रेट के सामने और नगर निगम कार्यालय के सामने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने एवं सभी ऐसे शासकीय कार्यालयों के सामने जहां पर हमारी पहुंच हो सकती है हेलमेट वियर करने का अभियान चलाया जा रहा है। जो भी व्यक्ति शासकीय कार्यालय में बिना हेलमेट के आ रहा है उनका फाइन किया जा रहा है। ऐसे लोगों की सूची बनाकर विभाग प्रमुख को दी जाएगी। हमारा आप के चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन है, चूँकि दोपहिया वाहन चालकों में वाहन चलाते समय सड़क पर दुर्घटना से बचने के लिए मृत्यु से बचने के लिए हेलमेट के एकमात्र सुरक्षा कवच है। आवश्यक रूप से हेलमेट वियर करें और बिना हेलमेट के वाहन ना चलाएं, अपनी जान की सुरक्षा भी करें और कानून का पालन भी करें। खैरघाट नहर में खराबी आने के कारण आम गांव और पिपरिया खाती गांव के किसानों को माचागोरा डैम का पानी सिंचाई के लिए नहीं मिल पा रहा है। इन गाँव के किसानों ने मंगलवार को कलेक्टर से गुहार लगाई कि नहर को जल्द ही ठीक कराया जाए। उन्होंने गेहूं के बीज बो दिए है, खाद भी डाल दी गई है, लेकिन नहर से पानी समय पर नहीं पहुंच पाने के चलते हालात खराब हो रहे हैं। आज हम आए थे जनसुनवाई में, मैडम को हमने ज्ञापन भी दिया है यहाँ पे, तो हमको जो है 4-5 गांव के लोग मेरे साथ में यहाँ खड़े हुए हैं। हमें माचागोरा डैम का पानी जो नान्ना कैनाल से जाता है हमारे यहाँ, वो आज तक हमें पानी नहीं मिला है और क्षेत्र बड़ा है, पानी कम आ रहा है, किसानों में आपस में विवाद होने की स्थिति बन रही है। और हम चाहते हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि सभी किसान भाई मेरे साथ आज आए हैं, भारी परेशान हैं, खाद बीज खेतों में डाल चुके हैं कि नहर आएगी और नहर के भरोसे ही पूरा किसान है, नहर के पानी के भरोसे। तो हम चाहते हैं कि कलेक्टर साहब जो है हमारी जो जनसुनवाई में आए हैं, हमारी मांग जो है पानी को लेकर वो पूरी करें। इसी क्रम में छिंदवाड़ा विकास खंड के ही ग्राम चार गांव के किसान भी माचागोरा डैम का पानी नहीं मिलने की शिकायत लेकर प्रशासन के पास पहुंचे। अपनी मांग पूरी ना होने तक किसानों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। किसानों का कहना है कि माचागोरा से मालहनवाड़ा तक तो नहर बनी है, लेकिन उनका इलाका चारगांव वहां से महज 2 किलोमीटर दूरी पर है। ऐसे में उन्हें बांध से सिंचाई सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जबकि उनके गांव में 500 परिवार रहते हैं जो खेती पर ही निर्भर है। किसानों का कहना है कि अगर मालहनवाड़ा से उनके गांव तक नहर नहीं बनाई गई तो वो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव का पूरी तरह बहिष्कार करेंगे। हम समस्त ग्राम पंचायत चारगांव से किसान लोग उपस्थित यहाँ कलेक्ट्रेट में हुए हैं। कलेक्टर मैडम को आवेदन और निवेदन किए हैं कि माचागोरा डैम मालहनवाड़ा तक माइनर इरीगेशन का पानी आ चुका है, वहाँ से हमारा गांव मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर नहर छूट गई है जाने के लिए, उसके लिए आवेदन देने के लिए आए हैं और मैडम से निवेदन भी किए हैं और सूचना भी दिए हैं कि अगर हमारे गाँव तक गर्मी तक पानी नहीं पहुँचता है, काम चालू नहीं होता है, तो हम विधानसभा एवं लोकसभा दोनों चुनाव का बहिष्कार समस्त ग्रामवासी मिलकर करेंगे। मेरा नाम रवि पटेल, ग्राम पंचायत चारगांव। जिला पंचायत स्थायी शिक्षा समिति की बैठक मंगलवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अमित सक्सेना ने की। इस बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों ने उपाध्यक्ष श्री सक्सेना और शिक्षा समिति सदस्यों को जिले भर में चल रही शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी दी। शिक्षा समिति ने विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। जो अटैचमेंट छिंदवाड़ा में किया, अटैचमेंट नहीं सर, सबके काम पर है, 2-4 लोग होंगे, सबके काम तो मतलब छिंदवाड़ा नगर में ट्रैवल डिपार्टमेंट की जितनी संस्थाएं आश्रम है, छात्रावास है, कन्या परिषद जो भी है संचालित हो रहे हैं, इनमें एक भी ऐसा शिक्षित टीचर से बताइए। सर विकास खंड में जो है 22 स्कूल जीरो वाले। हाँ भैया, पूरा ट्राइबल को यही है भैया, क्या व्यवस्था बना के रखे हो आप लोगों ने ट्राइबल डिपार्टमेंट से, क्या व्यवस्था बनाए कि जीरो शिक्षक शाला है 22 और 40 मतलब 62, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये तो गलत है और इसका
इनके शिक्षक का अटैचमेंट किया रखा गया है या फिर उनको ट्रांसफर किया अटैचमेंट नहीं है कैसे कर लेंगे ट्रांसफर कैसे हो जाएगा खबरों में वक्त है अभी एक छोटे से ब्रेक का आप देखते रहिए सिटी हलचल इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाएं त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट न्यूनतम डाउन पेमेंट 5999 आज खरीदें पेमेंट करें 2023 में स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर कम EMI शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस सत्कार हीरो परासिया रोड छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ स्माइल डिजाइनिंग फिक्स 32 रूट कैनाल ट्रीटमेंट लेमिनेट द्वारा सौंदर्यकरण दांतों की सड़न का इलाज मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज दांतों की सफाई फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली 32 मुंह में पाए जाने वाली गांठ छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज प्री कैंसरस लीजन का इलाज आड़े तिरछे दांतों का तार एवं अलाइनर द्वारा इलाज शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर अंजुमन कॉम्प्लेक्स ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर नगर निगम छिंदवाड़ा ने बढ़ती ठंड को देखते हुए शहर में रैन बसेरा की व्यवस्था शुरू कर दी है सोमवार देर रात निगम कमिश्नर राहुल सिंह ने रैन बसेरों का निरीक्षण भी किया उन्होंने बाहर से आने वाले मुसाफिरों के लिए रैन बसेरों में अतिरिक्त व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश भी दिए हैं गौरतलब है कि शहर में बढ़ती ठंड को देखते हुए बेघरों मजदूरों और मुसाफिरों के लिए अस्थायी रैन बसेरे हर साल बनाए जाते हैं जिनमें कंबल आग तापने वगैरह का इंतजाम नगर निगम करता है बैठे रहिए आप उठ के बैठ जाइए साहब आए ना बैठ जाओ आराम से कहाँ के रहने वाले हो आप गुजरात गुजरात यहाँ क्या करने आए इसका कैसे पता चला तुम्हें यहाँ रहने वाले बताता है लोग कौन कोई बताता है कि इधर सरपंच पद के लिए वोटिंग के लगभग 4 माह बाद भी चौरई के पालादौन गांव के लोग चुनाव परिणाम को लेकर संतुष्ट नहीं हैं। ग्रामीणों ने अब आकर कलेक्ट्रेट में अपनी मांगे रखी चौरई के पालादौन गांव में जुलाई में सरपंच पद के लिए वोटिंग हुई थी इसमें मात्र 1 वोट से हार जीत का फैसला हुआ था अब हारी हुई प्रत्याशी और समर्थक मांग कर रही है कि उस चुनाव में 3 व्यक्तियों द्वारा फर्जी मतदान की बात सामने आई है इसलिए रिकाउंटिंग कराई जाए गांव वालों का कहना है कि गांव में ऐसे लोग भी हैं जिनके नाम 2 जगह है इन्होंने 2 अलग-अलग जगह वोट दिया और फर्जीवाड़ा करके सरकारी योजनाओं का फायदा भी उठा रहे हैं गांव वालों ने पुनर्मतदान की मांग चौरी SDM से भी की लेकिन जब वहां सुनवाई नहीं हुई तो उन्हें कलेक्ट्रेट आना पड़ा माननीय कलेक्टर महोदय जी को आवेदन दिया गया ग्राम पंचायत पालादौन पिछले जुलाई माह में जो 8 तारीख को मतदान हुआ था इस मतदान में हमारे गांव में 1 वोट से हार जीत हुई है यमुना वर्मा जो कि मेरी बहू हैं
ये एक बोर्ड से चुनाव हारी। यहाँ पर हमारे गांव में पुनः मतगणना करवाने के लिए आवेदन दिया गया, चोरी SDM में याचिका लगाई गई है, लेकिन वहाँ अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, SDM साहब अभी तक बैठे नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि 3 मतदान इसमें ऐसे हैं जो फर्जी हुए हैं, दो दो स्थानों पे इन्होंने मतदान किया हुआ है और शासन की योजनाओं का लाभ भी दो दो जगह ले रहे हैं। ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को हटाकर पुनः मतगणना गाँव में फिर से करवाई जाए। परासिया विकास खंड के छोटे से गाँव बाग बर्दिया टांडा में जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यहां मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनार पहुंचे थे। जिले में सर्दियों के मौसम में ग्रामीण अंचलों में देशी खेलों की धूम रहती है, चाहे कुश्ती प्रतियोगिताएं हो या फिर कबड्डी के मुकाबले, ये आयोजन स्थानीय खेल प्रतिभाओं के लिए बड़ा सहारा बनते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनार ने कबड्डी खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह वर्धन किया। दशहरा मैदान में 17 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक होने वाली भव्य शिव महापुराण कथा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। राष्ट्रीय हिंदू सेना के तत्वाधान में यह आयोजन किया जा रहा है। मंगलवार को राष्ट्रीय हिंदू सेना के सदस्यों द्वारा शिव महापुराण का आमंत्रण पत्र घर घर जाकर एवं चौक चौराहों में दुकानों व्यापारी प्रतिष्ठानों में दिया गया। राष्ट्रीय हिंदू सेना के सदस्यों ने जिले वासियों से शिव महापुराण कथा का आनंद लेने एवं पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की है। शिव महापुराण की कथा सुनाने अंतर्राष्ट्रीय कथा वाचक ब्रजनंदन महाराज छिंदवाड़ा पधार रहे हैं। श्री राम हर हर महादेव भव्य महाशिवपुराण के लिए आज घरों घर जाके, दुकानों में जाके, प्रतिष्ठानों में जाके जनसंपर्क किया जा रहा है। लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में उपस्थित होके लोगों को आमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। राष्ट्रीय हिंदू सेना के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण व जिला उपाध्यक्ष व सभी नगर उपाध्यक्ष नगर अध्यक्ष सभी लोग उपस्थित थे। वह लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि राष्ट्रीय हिंदू सेना के तत्वाधान में भव्य महाशिवपुराण का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप सभी जिलेवासी नगरवासी सभी आमंत्रित हैं। निशुल्क यजमान बनने के लिए संपर्क करें हमारे दिए गए नंबर पे, यह व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। नंबर 9039228228507089500128 पे संपर्क कर सकते हैं आप निशुल्क यजमान। जिले के प्रभारी मंत्री और प्रदेश शासन के कृषि मंत्री कमल पटेल इन दिनों अपने गृह नगर हरदा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवा रहे हैं। इस आयोजन में भाग लेने छिंदवाड़ा BJP के अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और अन्य नेता हरदा पहुंचे। विवेक बंटी साहू ने प्रभारी मंत्री से मुलाकात कर श्रीमद् भागवत की कथा सुनी। समस्त सम्मानीय सदस्य भाइयों से आग्रह कर रहा हूं जिनका अभिनंदन होता जाए, स्वागत है। तो किधर हो तुम? मैं आग्रह कर रहा हूं जिनका अभिनंदन हो गया है और मैं छोटे से गई रहे जो कलेक्ट्रेट प्रांगण स्थित सुविधा केंद्र में वरिष्ठ नागरिक मंच की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिले के समस्त शासकीय विभागों के रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। बैठक में वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों से अवगत कराया गया, साथ ही वरिष्ठ नागरिक मंच के सदस्यों की समस्याओं के समाधान हेतु चर्चा हुई। आज वरिष्ठ नागरिक मंच
महामंच की बैठक वरिष्ठ सुविधा केंद्र में आयोजित की गई है। आज बैठक में डॉक्टर वीरेन सिसोदिया अध्यात्म के ऊपर चर्चा करने आए हैं और वह अध्यात्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमारा प्रथम जो खंड था आज की बैठक का वो अध्यात्म के ऊपर था, सेकंड जो पार्ट रहेगा वो मानव अधिकार के रूप में रहेगा। मानव अधिकार के रूप में भी हमारे बीच वक्ता आएंगे और मानव अधिकार के अधिकारों के बारे में भी वक्ता के रूप में वक्तव्य देंगे। तीसरा पार्ट जो हमारा रहेगा आज की बैठक का वो रहेगा कि अगर जो भी क्षेत्रीय समस्याएं हो या वरिष्ठों की कोई समस्या हो उसका भी हम लोग आज इसमें वो करेंगे। इस तरह हमारी वरिष्ठ नागरिक महामंच की बैठक आयोजित की जा रही है। मैं सचिव अशोक मिश्रा। बुजुर्ग हमारी धरोहर है, इस भावना के साथ कायस्थ समाज की महिला शक्ति ने समाज की वरिष्ठ महिलाओं को सम्मानित किया। शहर के चित्रांश भवन में आयोजित कार्यक्रम में चित्रांश महिला मंडल ने समाज की वरिष्ठ महिलाओं का शॉल और श्रीफल से सम्मान किया। महिलाओं का कहना था कि बुजुर्ग हमारी धरोहर है, अगर हम उनसे मार्गदर्शन हासिल करेंगे, उनका सम्मान करेंगे तो जीवन बेहद सुंदर बन जाएगा। कि हम सब लोगों को विदित है कि आज हम यहाँ पर एक विशिष्ट कार्यक्रम के लिए उपस्थित हुए हैं। यह कार्यक्रम हमारे चित्रांश महिला परिवार द्वारा बुजुर्ग कायस्थ महिलाओं के सम्मान में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा कायस्थ समाज में बुजुर्ग महिलाओं के सम्मान को बढ़ाना और हम लोगों को उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना है, यही हमारा उद्देश्य है। चूँकि बुजुर्ग लोगों को आज युवा पीढ़ी दरकिनार कर रही है, तो हम लोगों का मेन उद्देश्य इस कार्यक्रम के द्वारा युवा पीढ़ी को भी ये नसीहत देना है कि वो बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका आदर करें और आज वो हमारी धरोहर हैं और हमें उन्हें संभाल कर रखना है। श्री सुंदरकांड ग्रुप छिंदवाड़ा द्वारा आगामी 3 दिवसीय श्री राम जन्मोत्सव रामनवमी 2023 की तैयारियों के उपलक्ष्य में श्री राम नाम जाप प्रभात फेरी निकाली जा रही है। मंगलवार को प्रभात फेरी प्रातः 5 बजे से वार्ड नंबर 6, 8 और 14 लालबाग चौक छिंदवाड़ा से प्रारंभ होकर पूरे वार्ड में भ्रमण किया। छिंदवाड़ा भक्त हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर इसका समापन किया गया, जिसमें सभी ग्रुप के सदस्यों के साथ साथ वार्डवासी एवं श्री राम हनुमान मंदिर भक्त समिति के सभी सदस्य और महिलाएं भी शामिल हुई। साथ ही वार्ड नंबर 33 के वार्ड पार्षद चंद्रवान ठाकरे एवं वार्ड नंबर 14 के वार्ड पार्षद आकाश कुमार मुखल गाय समाज सेवी आशीष सोनी का विशेष सहयोग रहा। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका,
दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ, बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड। पुलिस की कॉम्बिंग गश्त में बरामद कछुओं का छिंदवाड़ा में हुआ परीक्षण। वास्तु की दृष्टि से शुभ होने के चलते होती है कछुओं की स्मगलिंग। यातायात पुलिस की निगाह से नहीं बच पाए कलेक्ट्रेट के अधिकारी कर्मचारी, हेलमेट न लगाने पर चालानी कार्यवाही। माचागोरा डैम से बनेगी नहर तो ही देंगे वोट। चारगांव के किसानों ने किया विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान, कहां पानी को तरस गए। और शहर में भव्य शिव महापुराण कथा की तैयारी जोरों पर। राष्ट्रीय हिंदू सेना ने घर घर जाकर आमंत्रण की मुहिम चलाई। 17 दिसंबर से आयोजन। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।